हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। कल की वीडियो में दो क्वेश्चन गलत हो गए थे, उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर कर लेंगे, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा गलत हो गया था, विच प्लांट इज कॉल्ड द हर्बल इंडियन डॉक्टर। तो देखिए, हर्बल इंडियन डॉक्टर जो है ये हम कहते हैं ऑप्शन नंबर बी आंवला को, लेकिन यहाँ पर तुलसी मैंने कर दिया था, मिस्टेक हो गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वैसे मैंने पीडीएफ में इसको करेक्ट कर दिया था, आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो कमेंट सेक्शन में लिंक है, आप जुड़ जाइए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। व्हेन इज़ वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेटेड, ये क्वेश्चन भी कल मिस्टेक हो गया था। दो क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी 2nd of September को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड कोकोनट डे, और कॉमेंट में 22nd of September हो गया था, है ना, पिछली वीडियो में। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। विच ब्रिटिश गवर्नर इंट्रोड्यूस पोस्टेज स्टैम्प इन इंडिया, कौन से ब्रिटिश गवर्नर जनरल के द्वारा इंडिया में पोस्टेज स्टैम्प स्टार्ट किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, बताइए। यह किया गया था किसके द्वारा, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च इन रिस्पॉन्स टू, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये किसके रिस्पॉन्स में लॉन्च किया गया था, ऑप्शन नंबर ए क्रिप्स प्रपोजल। अगला क्वेश्चन है, द बाराबाती स्पोर्ट्स स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच स्टेट, बताइए बाराबाती स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है ये आपके कौन से स्टेट में है। वैसे मैंने पूरा वीडियोस भी स्टेडियम से रिलेटेड अपलोड किया हुआ है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। तो ये आपके कहाँ है, ऐसे भी क्वेश्चन आता है ना, स्टेट के अलावा अगर सिटी आ गया तो कटक शहर में है, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, द स्विच कैनल कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी विथ द, बताइए स्विच कैनल जो है ये मेडिटेरेनियन सी को किसके साथ कनेक्ट करता है, कौन से सी के साथ, ऑप्शन नंबर ए रेड सी। अगला क्वेश्चन है, फोबोस एंड डेमोस आर द टू सैटेलाइट ऑफ विच प्लैनेट, बताइए फोबोस और डेमोस जो हैं ये कौन से प्लैनेट के सैटेलाइट हैं। ये जो डेमोस है ना ये सबसे छोटा सैटेलाइट है, ठीक है ना, ये सबसे छोटा, विच इज़ द स्मॉलेस्ट सैटेलाइट, अगर क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना है डेमोस, और ये जो है आपका जेनेमेड, ये आपका सबसे बड़ा सैटेलाइट है ना। तो अगर बात करें कि फोबोस और डेमोस ये किसके सैटेलाइट्स हैं, ये आपके ऑप्शन नंबर सी मार्स, और मार्स को कौन से प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, रेडिश प्लैनेट, रेड प्लैनेट, क्वेश्चन आता है ना विच प्लैनेट लुक्स रेडिश इन नाइट स्काई टाइप का, तो कोई याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इट इज़ डिसाइडेड टू कंडक्ट ग्राम पंचायत इलेक्शंस, बताइए कि ग्राम पंचायत चुनाव जो है ये कराने का निर्णय कौन लेता है, ठीक है, डिसीजन कौन लेता है, करवाने की बात नहीं की जा रही, बस निर्णय करने की बात। तो ये किनके द्वारा किया जाता है, बाय स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर सी राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, यहाँ पे अगर डेप्यूटी नहीं होता बस स्पीकर होता तो आपका आंसर क्या हो जाता, जीवी मावलंकर, डैट मीन्स गणेश वासुदेव मावलंकर, लेकिन यहाँ पे अगर डेप्यूटी स्पीकर आ गया तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एम ए अयंगर। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ पेंटेड द पिक्चर नेम्ड औरत, औरत नामक पिक्चर जो है ये किनके द्वारा पेंट की गई थी, किनके द्वारा बनाया गया था, बताइए, ये हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश पादुकोण इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, बताइए प्रकाश पादुकोण का संबंध कौन से खेल से है। सो प्रकाश पादुकोण इज रिलेटेड टू, ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सिटीजनशिप इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमें जो नागरिकता मिली हुई है तो हमें किस टाइप की नागरिकता मिली हुई है, सिंगल, डबल, टर्शियरी या फिर रीजनल। तो देखिए हमारे पास जो नागरिकता है ना, हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता है कि हम इंडिया के भी नागरिकता लिए हुए हैं और अगर मान के चलिए कि कोई अगर यूएसए का है तो उसका भी नागरिकता नहीं, अगर आप इंडिया के हो तो आपको बस इंडिया का ही नागरिकता लेकर रहना पड़ेगा। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड ऑस्ट्रिचेस वेयर फाउंड इन इंडिया, बताइए ऑस्ट्रिचेस जो हैं शुतुरमुर्ग ये कौन से पीरियड में पाए जाते थे भारत में, तो ये पाए जाते थे आपके पैलियोलिथिक पीरियड, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, विच रिवर फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, इंडिया एंड नेपाल के बीच में कौन सी नदी जो है वो बाउंड्री फॉर्म्स करती है, वैसे इसको हम काली रिवर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए, लेकिन कहीं कहीं पे आपको ब्लैक ब्लैक भी दिख सकता है, तो आप
याद रखना काली रिवर। अगला क्वेश्चन है, हु लेड द इंग्लिश आर्मी इन बैटल ऑफ प्लेसी। प्लेसी के युद्ध में इंग्लिश आर्मी को किनके द्वारा लीड किया गया था, नेतृत्व किया गया था बताइए। वैसे अगर बात करें बैटल ऑफ प्लेसी की तो इन द ईयर 1757 में ही हुआ था, और अगर बात करें कि किनके द्वारा लेड किया गया था, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट क्लेव के द्वारा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु वाज टू लेड द इंग्लिश आर्मी इन द बैटल ऑफ बक्सर। अभी हमने देखा बैटल ऑफ प्लेसी, अब बताना है आपको बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर हुआ इन द ईयर 1764, और इसको जो इंग्लिश आर्मी था इसको किसके द्वारा लीड किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हेक्टर मुनरो। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर द न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी अनाउंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नई फॉरेस्ट पॉलिसी जो है ये कब अनाउंस की गई थी बताइए। सो इन द ईयर ऑप्शन नंबर ए 1988। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द नेशनल एनवायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। बताइए नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए नागपुर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। बताइए भारत के कौन से राज्य के पास सबसे बड़ा फॉरेस्ट कवर है, ये है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो वीडियो को भी पेंड करते हैं, वीडियो अच्छा लगा हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।